दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है, आज क्या कुछ किया। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये डे का चार्ट है। डे के चार्ट में एक चैनल प्रॉपरली अभी काम कर रहा है मार्केट में। आज एक बड़ी सी कैंडल बनी है, इस कैंडल की भी एक खास बात है, देखेंगे क्या है। अभी मार्केट ने इस लेवल के आसपास पहुंच लेना चाहिए था, नहीं लिया, और मार्केट आज चेजिंग कर रहा है, कंप्लीटली चेजिंग। और जब मार्केट चेजिंग का रहता है तो आप मान लो कि मार्केट में एक साइड की पोजीशंस बहुत ज्यादा खड़ी हो जाती है रिटेलर्स की। याद रखो, जिस भी दिन मार्केट चेजिंग का है, मार्केट अगर सेलिंग में गया है तो रिटेलर्स की कॉल की पोजीशन होल्ड पड़ी रहेंगी, उनकी प्रीमियम टूटते रहेंगे टूटते रहेंगे, वो प्रॉफिट का वेट करते रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं चेजिंग का मार्केट बायर्स की तरफ इन्वाइट करता है रिटेलर को। और आज मैं जैसा कह रहा हूँ, अगर आप लोग वैसा फील कर पा रहे हो या आपने भी ऐसा कुछ किया है कि आपकी पोजीशंस पड़ी हैं, तो ऐसा नॉर्मली रिटेलर करते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो मार्केट उनको ट्रेप करके रखेगा और उनकी पोजीशंस को प्रॉफिट में नहीं आने देगा, और टिल द एक्सपायरी ऐसे ही रहता है। जब भी चेजिंग का दिन आता है, आप उसको देख सकते हो कि उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेलर्स के नुकसान ही लगते हैं। तो आज डाउन साइड का चेजिंग का दिन रहा है। कल मैंने कहा था कि गिरावट अच्छी आ सकती है, थोड़ा सा अपसाइड दिखाएगा, उसके बाद गिरावट अच्छी आ सकती है, वैसा ही हुआ। देखते हैं कल की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ये लेवल नियर बाई है जिसको हम वेट कर रहे हैं चैनल के अकॉर्डिंग। डे में यही दिख रहा है कि अभी गिरावट कंटिन्यू है, ऐसी ही एक कैंडल और भी बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर की साइड फिर नीचे जाने की संभावना ज्यादा है। अब छोटी टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हो सकता है। छोटी टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हम 1 घंटे की टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं। 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे मैं देख पा रहा हूँ एक ब्रेकआउट आप आज अच्छा मिला, सस्टेन हुआ, मॉर्निंग से ही ब्रेक हो गया था। मॉर्निंग में ही पहली कैंडल से ही ब्रेक हो गया था और गिरावट की कैंडल दे दी थी, ऊपर के लेवल भी हमें मिले थे और पूरे दिन डाउन साइड रहा। ये वाला लेवल भी मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया, जो ये लाइन आ रही है ये भी रिटेस्ट कर लिया, और कहीं ना कहीं मार्केट अपने 50 वाले लेवल के आसपास आके होल्ड हुआ है। अब यहाँ हमें देखने को मिल सकता है मार्केट एक छोटा सा अपक्लिक ऊपर की साइड देगा, छोटा सा, उसके बाद वापिस अपनी गिरावट कंटिन्यू कर सकता है। इसको और बेहतर समझने के लिए और छोटी टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट अपने 50 और 60 वाले रेंज में आ चुका है। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रेस्ट ले सकता है, और जब ही ये लेवल तोड़ेगा, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, ये वाला जोन जैसे ही क्रॉस करेगा मार्केट काफी अग्रेसिव हो जाएगा और मार्केट तेजी से अपने डे वाले लेवल को टेस्ट करना चाहेगा। ठीक है, तो मार्केट डाउन साइड का ही है, मार्केट का व्यू डाउन साइड का ही है, लेकिन मार्केट ट्रिप करते हुए डाउन साइड चलेगा। आज मार्केट चेजिंग का है, कल भी मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड रह सकता है। तो जैसा भी आपको ऊपर की साइड कोई अच्छा लेवल मिलता है, जहां रिटेलर ट्रेप होता है, वहां से आप सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं छोटे मोटे एसएल के साथ, सेफ्टी से प्ले करें। मार्केट ने यहाँ एक गैप दिया था और इस जगह को छोड़ के चला था, मार्केट वापस इसी लेवल के आसपास टेस्टिंग के लिए आएगा, और ये लेवल जब टेस्ट के आसपास आएगा तो कहीं ना कहीं अपना डे के अंदर चल रहा चैनल भी टेस्ट हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना होगा, मार्केट अभी भी डाउन ही है तो बाइंग की साइड नहीं खेलना। बाइंग के लिए मैं कह दूंगी ये मार्केट जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा, ये ऊपर की साइड में एक्सट्रीम रेंज है, ये मान लो, ये क्रॉस करने के बाद ही हम बाई प्ले करेंगे, बाई की साइड नहीं देख सकते। जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मार्केट यहाँ तक लास्ट ऊपर आ सकता है, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ 38,400 का ये लेवल है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है, आज की गिरावट का ये मेन मेन एरिया है, यहाँ तक आ सकता है 38,400 के आसपास तक। यहाँ अगर हमें मार्केट मिलता है तो बेस्ट सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करो, और जो कि आप उसको लॉन्ग लेके जा सकते हो नीचे तक। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट ये दिख रहा है मुझे। अभी जो लेवल खड़ा है ये इम्पोर्टेंट लेवल है, थोड़ा बहुत यहाँ रेस्ट लेगा मार्केट और हो सकता है कि कल का दिन रेंज बाउंड ही रह जाए, न नीचे का रहे न ऊपर का रहे, लेकिन रेंज बाउंड टू डाउन साइड ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, अपसाइड अप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट प्लेस पे आया, ये प्लेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये वाली लाइन टूटती है तो ये अपना पैनिक प्रेशर है, मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा। लेकिन यहाँ अगर सस्टेन कर कल के दिन यह सस्टेन कर सकता है, अगर कल की हम रेंज माने
तो यहां से तो नीचे नीचे ही रहेगी और ये रेंज रह सकती है, और अगर ये एरिया टूटता है तो शार्पली नीचे गिरेगा। तो आप ये मान के चलो ये 35-700 के आसपास की रेंज है, ये 35-400, तो 400 से 700 की ये रेंज है, 37-700 से लेके 38-400 के बीच में मार्केट रह सकता है। तो यहाँ हमें जो ऊपर की साइड में प्ले करने को मिले तो हम सेल की साइड प्ले करेंगे, नीचे की साइड हम सावधान रहेंगे, यहाँ रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है। ठीक है, और छोटी टाइम फ्रेम पे ये भी देख लेते हैं रिटेलर्स के साथ क्या हुआ है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो मार्केट में कहीं एक गिरावट आती है, वो भी एक चेजिंग वे में विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो आप ये मान के चलो एक समय के बाद में रिटेलर कहीं ना कहीं डाउन साइड की होप छोड़ देता है और पुटे खरीद के कॉल बाई करके मार्केट में बैठ जाता है और देखता है कि मार्केट काफी गिर चुका है। अब मार्केट जब भी बाय में आएगा कुछ दूर की पुटे खरीद लेता है और अच्छे बेनिफिट के लिए वेट करता है। बट मार्केट जिस दिन भी चेजिंग का होता है तो ये समझ लो कि रिटेलर्स के पास सिर्फ और सिर्फ दूसरी साइड की बाइंग रहती है, वो डरता नहीं है क्योंकि वो बायर है, क्योंकि उसका प्रीमियम है 200-300, 0 ही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो अपनी इजीली उन कॉल्स को हैंडल करेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं मानेगा, वो पैनिक नहीं होगा, लेकिन सेलर पैनिक होता है, बायर पैनिक नहीं हो सकता। तो जिन्होंने यहाँ कॉल ले रखी है तो वो देखता जा रहा है कि मार्केट लेवल टू लेवल गिरता जा रहा है, कहीं भी रिट्रेस नहीं, कहीं से भी रिट्रेसमेंट लेगा मेरा बेनिफिट आ जाएगा, और एक्चुअल में मार्केट उसका उल्टा करता है। मार्केट में जिन सबके पास ये पुटें पड़ी हैं वो धीरे 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 गल जाएंगी और मार्केट या तो एक ही लेवल पे ठहर के या तेजी से नीचे गिर के उनकी वैल्यू खत्म कर देगा। तो मेरा जैसा मानना है मार्केट रेंज बाउंड टू डाउन साइड कल रहने वाला है। कोई भी अपक्लिक मिले और बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, ब्रेकआउट वगैरह या कोई अच्छी चीज मिले आपको, कोई पैटर्न मिले, तो आप डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे। मार्केट में रिटेलर ट्रेप हुए हैं तो वो अप साइड के लिए ट्रेप हुए हैं, डाउन साइड अभी भी ओपन है। हाँ, ये अपनी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत अपक्लिक तेजी से दिखा सकता है, बट वो इतनी तेजी से भी नहीं दिखाएगा कि वेगा की मतलब इम्पेक्ट से कॉलों में प्रीमियम भरे, कॉलों के प्रीमियम नहीं भरने देगा। तो वॉलीटिलिटी नहीं, वो सिर्फ दिखावा आएगा कि एकदम से अपक्लिक गया, थोड़ा सा नीचे आया, रेटे भी नहीं बढ़ेंगे, वॉलीटिलिटी सिर्फ उनको अट्रैक्ट करेगा बाइंग की साइड, जिन्होंने ली है उनसे एवरेज करवाएगा और वो एवरेजिंग के बाद में एक अच्छी रेट मिलती है तो मार्केट डाउन साइड आएगा। ये एक साइकोलॉजी जो मुझे समझ में आती है। तो दोस्तों कल के लिए आपको बेस्ट उपलब्ध, देखते हैं क्या मार्केट रहता है। आज मैंने कहा था डाउन साइड रहेगा, और दोस्तों अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि मैं इसमें भी अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चीजें पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आप देखोगे तो आज भी मैंने मॉर्निंग एक 10% बना था, ये गोल्डन 10%, और मैंने इसमें पोस्ट किया है, और उसके बाद में जो प्रॉफिट हुआ मैंने देखो 280 पे, 269 पे लेकर 280 पे मैंने ब्रेक मैंने काटा था। उसके बाद में भी मार्केट में कैसे कैसे पैटर्न बने, चीजें मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो भी अगर मेरे इस टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करो, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।